वेलकम टू द चैनल। कल वैक्सीन लेने के बाद ना दिन में तो मैं ठीक थी, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था, बट फिर रात को तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मेरे पूरे बॉडी में पेन है। खैर पेन तो अभी भी है, जहाँ इंजेक्शन लगाया ना वहाँ तो मैंने सुना है कि वहाँ तो पेन होता ही है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। वो हाथ में लिफ्ट नहीं कर पाती हूँ, इतना दर्द है। मुझे थोड़ा सा बुखार भी है, अभी भी बुखार है, वीकनेस है। ये तो वैक्सीन ही ऐसा है कि इसमें होना ही है, पहले से ही पता था कि वैक्सीन लेने के बाद हर किसी को थोड़ा बहुत वीकनेस, बुखार और बॉडी पेन रहता है, जो कि हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया है। तो कल रात को मैंने एक रोसिन खा लिया था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मैं नहीं सो पाई। सुबह थोड़ी सी आँख लगी थी, बट फिर सुबह हो गई थी तो फिर उठ गई थी। बॉडी में बहुत वीकनेस है तो ऐसे ही सोफे पे लेटी पड़ी हूँ। ब्रेकफास्ट में हमने चाय और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया था, बिस्किट्स एंड ऑल, बट अभी लंच में मैं बना तो नहीं पाऊँगी, मेरा मन भी नहीं है बनाने का, तो शायद कुछ ऑर्डर करना पड़े। तो आशीष तो बोल ही रहा है कि आप रेस्ट करो, कुछ मत करो, तो कुछ मंगाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। आशीष वैसे तो उनका काम का शेड्यूल रहता है सुबह 9 to 3:30-4 PM तक, बट आज उनको भी बॉडी में वीकनेस है और कल रात को उनको भी थोड़ा सा ऐसे ठंड का महसूस हो रहा था, ठंड जैसा महसूस हो रहा था। तो अभी वो भी ऐसे ही, आपको दिखाती हूँ मैं आशीष को भी, वो भी ऐसे ही लेटे हैं सोफे में और इतनी हिम्मत करके उन्होंने सुबह भी अपना काम जो है ना, बहुत ही कम समय में उन्होंने अपना काम कर लिया है जो उनका ऑनलाइन काम रहता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आशीष भी कैसे सोफे पे लेटे पड़े हैं, देखिए। एलेक्सा टर्न ऑन हॉल लाइट। ओके। मेरे टाइम में लाइट नहीं, आपके टाइम पे लाइट है, अपने टाइम पे लाइट चला लिए। तो आपको कैसा हो रहा है महसूस? वीकनेस है, बस वीकनेस है और पेन है लोअर बॉडी में। अभी एक दिन तो रहेगा ही है, खाएंगे पियेंगे सेट हो जाएंगे, कुछ है नहीं। वैक्सीन का होता ही है तो वो होगा, दवाई खा लेंगे, थोड़ी सी खाना खा लेंगे, सेट है। ऐसा कुछ हुआ नहीं मुझे, फीवर वाला सुबह फीलिंग आ रही थी और थोड़ा सा हल्का सा मुझे ठंड लग रही थी, बट संभाल लिया मैंने अपने आप को। मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा देख के मंगा देती हूँ। अपने लिए भी अच्छा सा मंगाओ, मेरे लिए तो मंगाओ ही। तो खाते हैं गाइस, सच में आज ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं है, पता नहीं मैं पोस्ट भी कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हाथ में बहुत दर्द है, तो एडिट करना मतलब बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा सर दर्द है और सर दर्द भी हो रहा है। मैंने दवाई भी खाया था सर दर्द के लिए, मैंने सेराडोन खाया है और अभी कुछ और दवाइयाँ आशीष ने मंगाई है, डोलो मंगाई है, 650 mg इलेक्ट्रॉल मंगाया है। आज हम रेस्ट करते हैं, अगर होगा तो हम ये वीडियो कल पोस्ट करेंगे, देखते हैं। आज अगर हो जाएगा तो आज भी करूँगी, पता नहीं, डिपेंड्स तबीयत कैसी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर नहीं करूँगी तो कल ज़रूर पक्का से मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी। तो भाइयों बहनों देवी सज्जनों, आज हालत बहुत ख़राब है, मुझे तो कुछ ताकत भी नहीं है करने की। तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, वो खाना आ चुका है, खाना लेट हो चुका आने में और भूख बहुत लगी और हालत बहुत ख़राब है। ना खड़े होने की ताकत है, ना बैठने की ताकत है, अभी भी बुखार है, वीकनेस तो है ही। हम लोग जल्दी से खा लेते हैं खाना और दवाई खा लेते हैं, फिर शायद हम लोग सो जाएंगे, सो जाना ही बेटर रहेगा आज। ये ऑर्डर किया था हमने, मौमिता रोटी खा रही है और मैं खा रहा हूँ पनीर बिरयानी, इतना स्पाइसी मैं खाता नहीं हूँ, बट आज बनता है, आज खाना पड़ेगा मुझे। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, कलिंगा से मंगाया आपने? हाँ। अच्छा कलिंगा से मंगाया, लोखंड वाला पास में ही है। सो जाओ, नो मोर मोर। आपने मेरे लिए ये पिज्जा मंगाया? हाँ, आपकी 3 दिन की ख्वाहिश पूरी हो गई। Here's my yum yum pizza with mushrooms, capsicum and lots of cheese. Thank you for this pizza. I love it. I just love it. बहुत 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 टेस्टी है।
बहुत टेस्टी है। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा नहीं है, कहीं और से मंगाया था। डोमिनोज वाला जो पिज़्ज़ा आता है ना वो मुझे पसंद नहीं है, ये मैंने यहीं लोखंड वाले से मंगाया है, बट ये खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। ये डोलो आपको दे दिया है। डोलो? हाँ। डोलो खा के थोड़ा सा सो लो। खा लो डोलो, मैंने थोड़ी सी चाय भी दी है, चाय के साथ खा लो एक डोलो। काम तो पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। वैसे आप स्वस्थ हो ही, बट जो थोड़ी सी कमजोरी है ना बॉडी में, बिकॉज कट डाउन पे भी था ना मैं काफी टाइम से, वेट इतना लॉस किया जिम के कारण, मैं गेन नहीं कर पा रहा हूँ वापस, और गंदा वाला गेन करना नहीं चाहता हूँ मैं, तो यही दुबला पतला शरीर मेंटेन कर रहा हूँ। तो लेग्स में काफ़ी वीकनेस है, क्योंकि दौड़ा बहुत हूँ ना मैं, तो उसके कारण से चालू हो गए जिम वगैरह, तो फिर से वापस फॉर्म में आऊंगा। आ जाओगे। यस यस जस्ट वेट एंड वॉच। चाय कैसी है? चाय तो मस्त है। जय गुरु जी। हेलो गाइस, तो आज कल से बेटर फील कर रही हूँ, और कल मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एडिट करके पोस्ट कर सकती थी कल मैं, बट एडिट करने की हिम्मत नहीं थी, और हम जल्दी सो भी गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी एडिट करके फिर पोस्ट करती हूँ। सुबह सुबह अभी एक पार्सल आया है, तो मैं देखती हूँ कि उसमें क्या है। छोटी मोटी चीज़ें मैंने मंगाई थी, अभी मेरे इवेंट्स का भी टाइम है, तो पिछले 1.5 साल से तो कुछ इवेंट्स वैसे हो नहीं रहा था। अभी लास्ट मैंने दिसंबर में एक शो किया था, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं, उसके बाद कोई इवेंट्स हुए ही नहीं। आप लोगों को जैसा पता ही है कि पेंडेमिक की वजह से इवेंट्स हो नहीं रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, तो लोग आर्टिस्ट्स को बुलाते नहीं हैं। तो एनीवेज अभी मेरे मेकअप का सामान जो था ना, बहुत सारे काफ़ी सारे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कुछ कुछ मेकअप का सामान मंगाया था, तो अभी देखते हैं कि उसमें से कौन सा क्या आया है। तो अभी मैं आप लोग के सामने खोल के देखती हूँ, और आप लोग को भी दिखाती हूँ कि क्या आया है। ऊपर इन केस यू रिसीव डैमेज प्रोडक्ट प्लीज शेयर पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑन। बहुत अच्छे से पैकिंग किया है। रिवर्सल प्लैनेट ब्यूटी ग्लेज्ड ये आया है, तो ये निकाल के अभी देखती हूँ। काफ़ी बड़ा है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आएगा, तो देखते हैं अभी निकाल के। ये आई शेडो है जो कि मुझे बहुत ज़रूरत थी, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, आप लोग देख लीजिए। गोल्डन मुझे चाहिए था, ऑलमोस्ट सारे शेड्स हैं इसमें। सो गाइस ये मेरा आ गया है, इसकी रिव्यू भी बहुत अच्छे थे, मैंने रिव्यू देख के ही लिया था। कुछ तो ये मुझे आइडिया नहीं है, अभी याद नहीं है, शायद कुछ इसका रेंज कुछ 400-500 के आसपास है, मुझे अभी याद नहीं है। और ये इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, मैंने रिव्यू देख के ही लिया था। ये मेरे इवेंट्स के काम में आते हैं, मैं इवेंट्स में जाती हूँ तो मेकअप में तो खूब सारा मेकअप करना पड़ता है, तो बस आई एम हैप्पी कि ये मेरा आ गया टाइमली। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने अकेले ही स्टार्ट किया था, काफ़ी टाइम तक मैं अकेले ही वीडियोस बना रही थी, एंड लेटर ऑन मैंने सोचा कि मैं अकेले क्या वीडियोस करूँगी, आशीष और मैं दोनों साथ में वीडियोस करते हैं, एंड आशीष केम इनटू दिस। आशीष फिर मेरे साथ मेरे व्लॉग्स पे आने लगे। सो हमने कुछ ऐसा सोचा कि मैंने तो मेरे इस इंडिविजुअल के हिसाब से वो हमिंग बर्ड मेरे चैनल का नाम रखा था, तो जल्द ही मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा नाम, कुछ कपल से रिलेटेड कुछ अच्छा सा नाम अपने चैनल का देने के लिए। चैनल मेरा यही रहेगा, बस मे बी
नेम हम चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं एंड मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। तो इसी नोट पे मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।